दुर्ग नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत निगम महापौर ने विंडो वाहन का शुभारंभ किया। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नवाचार वाहन विंडो का शनिवार को शुभारंभ किया। इस वाहन को वेस्ट प्रोडक्ट इन दुर्ग ऑन व्हील विंडो के नाम से पहचाना जाएगा, जिसमें कबाड़ व अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार की गई है सामग्री विक्रय हेतु शहरवासियों तक पहुंचाई जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि विंडो वाहन की प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वसहायता समूह की महिलाओं को सहायता पहुंचाना है, जिसके माध्यम से वे वेस्ट टू बेस्ट के तहत निर्मित अपनी सामग्रियों को विक्रय हेतु विंडो वाहन उपलब्ध कराएगी, जो उनकी आजीविका का साधन भी होगा। निगम महापौर ने कहा कि विंडो वाहन में निगम क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति भी अपना सामान विक्रय कर सकते हैं जो कबाड़ व अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किया गया हो। विंडो वाहन के शुभारंभ अवसर पर निगम सभापति राजेश यादव, स्वास्थ्य अधिकारी हमीद खोकर के साथ एमआईसी सदस्य और एल्डरमैन रत्नादेव नारायण शामिल रही। आज नगर निगम दुर्ग द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, विंडो चालू किए वेस्ट प्रोडक्ट इन दुर्ग ऑन व्हील्स। ये एक बहुत ही अनूठी पहल है। हमारे पास एक पुरानी ई रिक्शा पड़ी थी, उसको बनाया गया, उसमें एक घर सामान डेवलप किया गया, वो भी सब वेस्ट प्रोडक्ट से, और उसमें वेस्ट से बनाए हुए बेस्ट आइटम को रखा गया है, जो ये घर घर जाके महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को सेल करेगी। और अगर कोई घर से बनी हुई चीज़, वेस्ट से बनी हुई चीज़ बेचना चाहते हैं तो इस गाड़ी में दे भी सकते हैं, तो वो सामान को भी इस गाड़ी के द्वारा बेचा जाएगा। तो ये बहुत ही अनूठी पहल है, पहली बार पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो मैं पूरे इसको बनाने वाले हमारे जो भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लगे उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चल रहा था, बेस्ट ऑफ वेस्ट की प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई भी थी, तो अब बेस्ट ऑफ वेस्ट को हम घर घर तक कैसे पहुँचाएँ, तो हमारे कर्मशाला की टीम ने गाड़ी बनाई, जैसा कि मैंने बताया। तो एक बहुत ही अनूठी पहल है, कोई भी चीज़ नई होती है तो कुछ ना कुछ कारण बने। एक बार इस गाड़ी को चलने दी, इसकी जैसे जैसे इसका रिस्पांस आएगा आगे भी और गाड़ियाँ स्टेट से चलने जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।